हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। है कि ये कुछ समय से कृष्णा भैया का ये था कि भी एक ऐसा, क्योंकि बनारस से ही अपना उद्धव सिंह के पास से ही अपना है, बिलोंग करते हैं, तो इनका था कि फिल्म फेस्टिवल वहाँ करें अपनी अपना जो मातृभूमि है, जो अपना वहाँ पर जन्मभूमि के ऊपर बनारस से ही है तो इसलिए भैया ने ये डिसाइड किया हुआ था। तो हमने सब इनको यही कहा भी बहुत अच्छी बात है और पूरा आपको सहयोग देंगे हम लोग, और जो भाई है हमारे, तो अभी ये इसका जो इस तरह अपना जो सोचा है कि ये जो आने वाले मंथ में फरवरी में 28, 29 और 1 तारीख को मनाले है, एक 2020 तीन दिनों का हमारा कार्यक्रम है। पूरी फिल्म, पूरी विश्व की फिल्में दिखाएंगे हम लोग, और काफ़ी फिल्में फॉरेन से भी आई हैं, फॉरेन की भी एंट्री हमारे पास है, और ये हम करने जा रहे हैं तीन दिनों के लिए फिल्म फेस्टिवल, और ये एक शुरुआत आरम्भ है, और अभी भगवान ने चाहा तो अच्छे से बढ़िया सा इसको करेंगे और ये एक प्लेटफॉर्म बना के लाइफ लॉन्ग चलेगा। किस तरह से इसकी ट्रैक्टरी रहेगी, कैटेगरी क्या रहेगी, कैसे चूज करेंगे फिल्मों को उसमें, उसके बारे में? देखिए ऐसा है कि ये जो जूरी में हमारे बड़े बड़े सम्मानित लोग हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने 25-25 फिल्में बनाई हैं, तो वो सब जूरी मेंबर्स हैं अपने, उनका पूरा नॉलेज है उनको, तो वो कैटेगरीज अपने आप ही डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि सोशल फिल्में भी हैं, एक्शन फिल्में भी हैं, हर आदमी को हक है अपनी फिल्म देने का। तो हम ये किसको बोल ये नहीं कहते कि आप अपनी फिल्म मत भेजो, कैटेगरी से मतलब नहीं है, हम उनको कैटलाइज करेंगे कि कितनी अच्छी फिल्में हैं, जो अच्छी फिल्में होंगी उनको उसके हिसाब से उसको बेस्ट अवार्ड भी दिया जाएगा और उसको अपना जो इनाम भी दिया जाएगा। बनारस वासियों के लिए संदेश है कि पहली बार ये, चूंकि आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र में हो रहा है, उनकी कंस्टिट्यूंसी है, और बनारस के घाट पहले बहुत गंदे हुआ करते थे कि अब इतने साफ सुथरे हैं, तो पहली बार ये घाट पर, गंगा घाट पर होने जा रहा है, और जहाँ पे मैं समझता हूँ कि करीब करीब 50 से 60 हज़ार रोजाना विदेशी गाइड टूरिस्ट आते हैं, और बनारस के लोग उनको जो उनका बिजनेस रोजगार मिलता है इस हमारे इस फेस्टिवल के माध्यम से, उन्हें फिल्मों का बढ़ावा मिलेगा, लोकल कलाकारों के लिए भी बहुत अच्छा एक अवसर रहेगा, लोकल जो वहाँ पे लोग हैं उनके लिए सस्ता फ्री, मतलब कोई भी चार्ज नहीं है, और 10,000 पब्लिक, 20,000 पब्लिक रोजाना इसे एंटरटेनमेंट करेगी, तो बहुत कुछ है, और संस्कृति को, बनारस की संस्कृति को और वहाँ के टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा। यूपी गवर्नमेंट इसमें कितना सपोर्ट करेगा? यूपी गवर्नमेंट से बात हुई है और वो टूरिज्म मंत्रालय उनका सपोर्ट करेगा पूरा, और परमिशन पहली बार, ये सब क्या कम सपोर्ट है कि पहली बार घाट पर हमें परमिशन मिल रहा है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये जो अपना फेस्टिवल हम लोग करने जा रहे हैं, ये एक ऐसा ही अपने आप में अलग होगा, बिल्कुल ऐसा कोई अपना जो है कहीं और भी कहीं फेस्टिवल से, हमने जो इसमें जो सिलेक्शन कमेटी सबसे बेस्ट नॉलेजेबल ली है और बड़े बड़े नाम इसमें जुड़े हैं, तो बहुत जल्दी आपको वो सब डिटेल्स भी हम आपको देंगे। फिल्मों का चयन बहुत अच्छे स्तर पर हो रहा है, हर तरह की फिल्में हम इन्वाइट कर रहे हैं, और बहुत ये जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा कि ये जो है आने वाले समय जो है आते समय जब भी ये भोजपुरी फिल्मों को सब, जी जी सर, सभी लैंग्वेज हम लोग किसी के लिए ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे कि आप भोजपुरी हैं, आप छोटी फिल्म वाले हैं, आप बड़े, हम सबको निमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म पहले नहीं है, और ये जब अपना एक बार प्लेटफॉर्म बन जाएगा और प्रोत्साहन देंगे, जैसे यूपी गवर्नमेंट देती है फिल्म बंधु के हिसाब से, जी फिल्मों को अपने कुछ सब्सिडी का, हम लोगों की फिल्म वो बनाएंगे, हम लोग फिल्में हम उनको आगे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड वार्ड देंगे, उसको उनका सम्मान करेंगे। तीन दिन का जो एक कार्यक्रम है, और किस प्रकार का इसका चरण रहेगा, फर्स्ट चरण में क्या रहेगा, सेकंड थर्ड उसमें क्या, किस टाइप? नहीं, फर्स्ट चरण पहले तो हम स्क्रीनिंग कमेटी में जितनी फिल्में हमारी 300-350 फिल्में जो भी आने वाली हैं उनको वहीं पर छांट लेके, फिर हमारी सब ज्यूरी उसको चेक करेगी, सब ज्यूरी जो फिल्में 25-30 फिल्में हम लेके जाएंगे, इसमें फिल्म है अपना, शॉर्ट फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है, एनिमेशन है, म्यूजिक एल्बम, वेब सीरीज, सारी जितनी हमारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं सभी करीब हैं, सिक्स कैटेगरीज हैं, सिक्स कैटेगरी में सबके नगद प्राइजेस हैं, और वहाँ पे इस जो फाइनल फिल्में होंगी वो दो दिन में दिखाई जाएंगी, 28 फरवरी 29 फरवरी 2020 का ये, और इसके बाद 1 मार्च को फिनाले होगा, जो बेसिक यहाँ के स्टार एक्टर्स सब लोग जाएंगे, और
लाइफ अचीवमेंट अवार्ड के भी बड़े बड़े एक्टर जाएंगे और उनको हम अवार्ड देंगे। और राजनीति के क्षेत्र से भी हम ट्राई कर रहे हैं, पीएम साहब को भी, सीएम साहब से हमारी बात हो चुकी है, उसमें आएंगे चीफ गेस्ट के तौर पर, इसको हम अच्छे से करेंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.